अगर रुका हुआ है तू कि अच्छा वक्त आएगा तो बात मान ले मेरी, कल तू बहुत पछताएगा। वक्त कभी तेरे हिसाब से नहीं चलता, उसको चलाना पड़ेगा, जो वादा किया है ना खुद से उसको निभाना पड़ेगा। दुनिया की सारी दौलत देकर भी किसी का हुनर खरीदा नहीं जाता, इज्जत और तारीफ के लिए कभी किसी के आगे झुका नहीं जाता, कमाया जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ गाइस, दिमाग लगा के सुनना और ध्यान से सुनना। एक 19 साल का एक लड़का अपनी पढ़ाई और अपने वर्कआउट के लिए जाना जाता था। वो इतनी मेहनत किया करता था कि वो अपने आप में उसने अलग पहचान बना रखी थी। वो एक स्लम एरिया में रहा करता था और बहुत ही बुरी सिचुएशन में जी रहा था, लेकिन उसके सपने बहुत ज्यादा बड़े थे। गाइस, वो जिस एरिया में रहा करता था ना, वहाँ के लोगों के सपने पता है क्या थे? बस 200-300 रुपये रोजी मिल जाए यार, पेट भर जाए, इतना ही बहुत है। वहाँ इस बंदे का सपना था कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। वो बहुत ज़्यादा अलग था। वो रोज़ सुबह ग्राउंड के ऊपर जाकर प्रैक्टिस किया करता था और रनिंग किया करता था। एक दिन वहाँ उसे एक आदमी ने नोटिस किया कि ये अकेला ही कैसे आ जाता है और कैसे इतनी मेहनत कर पा रहा है। तो उसने उस बंदे से जाकर पूछा कि तुम किसी एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हो क्या? तो उस लड़के ने कहा, हाँ सर, मैं IAS ऑफिसर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी फिजिक भी बना रहा हूँ। तो यार, इतनी छोटी सी उम्र में 19 साल का लड़का, जिसने अभी सिर्फ अपनी 12वीं निकाली है और ऐसे स्लम एरियाज में रहता है, लेकिन फिर भी इसका सपना है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। इस बंदे को, इस बच्चे को उस आदमी ने अपने दिल से सलाम किया। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसके पापा को कहीं से पैसे मिलने वाले थे और वो बाहर गए थे। उसने ये सोचा कि अभी पापा पैसे लेकर आएंगे तो हम कुछ खाने के लिए भी बनाएंगे और हम खाना खा के सो जाएंगे। लेकिन पता चला कि उसके पापा को जहाँ से पैसे मिलने वाले थे, वहाँ से उसको पैसे नहीं मिले। उसकी मम्मी के पास भी पैसे नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उसकी मम्मी की जॉब भी चली गई थी। उसने सोचा कि मेरे अकाउंट में कुछ पैसे हैं, मैं जाकर लाता हूँ, मम्मी आप टेंशन मत लो। वो सामान खरीदने के लिए बहुत दूर 2 किलोमीटर गया, लेकिन उसने जब पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने की कोशिश की तो बैंक सर्वर इशू के कारण उसके पैसे जा नहीं पाए। अभी सामान घर पर ले जाना जरूरी था, वरना उसकी फैमिली को भूखा सोना पड़ता था। उस समय वहां पर वो इंसान आ गया जो उसे ग्राउंड के ऊपर मिला करता था, उससे बात किया करता था। उसने उसकी प्रॉब्लम पूछी और सारा का सारा बिल उसने खुद चुकाया। वो बंदा मान नहीं रहा था, सर आप मत दो, लेकिन फिर भी उसने बिल चुकाया और उसने कहा, थैंक यू सो मच, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। वो लड़का ये बोलकर वहां से चला गया, लेकिन उस इंसान के साथ उसका एक दोस्त आया हुआ था। उसने उससे पूछा, भाई तू इसको सिर्फ 1 या 2 बार मिला है, तूने ऐसे कैसे पैसे दे दिए? क्या तुझे पता है कि ये तेरे पैसे वापस मिलने वाले हैं? तो जानते हो पता है उसने क्या बोला? भाई ये वो लड़का है जो किसी का सपोर्ट ना होने के बजाय बड़े सपने देखता है और उसे पूरा करने के लिए पूरी जान लगा रहा है। ये कुछ करके दिखाएगा, ये मेरा विश्वास है और मैं ऐसे इंसान के काम आया, इसलिए मुझे खुद के ऊपर गर्व है। इस स्टोरी का मोरल ये निकलता है कि इज्जत और तारीफ कभी मांगी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। अरे तुम्हारे अंदर की आग ही तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को जला डालेगी, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी हर जगह इज्जत बना डालेगी। अगर साबित नहीं कर सके ना खुद को, तो दुनिया तुम्हारा वजूद ही मिटा डालेगी। जिस वक्त आपके आंख में आंसू आ रहे हैं और आप खुद को ये बोलने की हिम्मत कर रहे हो ना कि सब कुछ ठीक है, तो बात मानो मेरी, इस दुनिया का बड़े से बड़ा डिप्रेशन, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी तुमको रुला नहीं सकती। अपने अंदर की आग को जलाए रखो, ये सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं बनाएगी, आपका हर जगह आपका नाम बनाएगी, आपकी पहचान बनाएगी, लोगों के बीच में आपको खड़े रहने की आपकी औकात बनाएगी और हर किसी की अकड़ को आपके सामने धरी के धरी रह जाएगी। ये सोचकर कि इस बंदे में बहुत ज्यादा दम है। आपकी लाइफ में बुरी से बुरी सिचुएशन आई है और आप भगवान को कोस रहे हो कि मेरी लाइफ में क्यों आया, मैंने ये क्यों किया, तो इस सवाल का जवाब जान लो मेरे दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन को टैकल करने की हिम्मत पूरी दुनिया में सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। अगर ये सिचुएशन किसी और के लाइफ में आई होती तो वो इसको झेल ही नहीं पाता, मर जाता था। अरे मैंने रोते हुए को हंसाना सीखा है, उजाले की इज्जत वही करता है जिसने अंधेरे में जीना सीखा है। अरे वही दुनिया पर राज करेगा मेरे दोस्तों जिसने अपने डर को डराना सीखा है, और वही आगे जाएगा जिसने बुरी सिचुएशन को ललकारना सीखा है।